इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC। जी हाँ दोस्तों, आज तक आप सभी सिर्फ ट्रेन की टिकट बुकिंग करते आए हैं, लेकिन अब IRCTC ने एक नई सौगात हमें दी है। अब हम IRCTC पर जाकर बस की भी जो है ऑनलाइन बुकिंग आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, बस टिकट अब आप ऑनलाइन जो है IRCTC पर जाकर बुक करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखें, हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। इस वेबसाइट पर कैसे बस बुक होगा, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पूरी क्या प्रोसेस होगी, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम चलेंगे दोस्तों गूगल पर, अभी जो है IRCTC की वेबसाइट पर हम जाएंगे, IRCTC बस बुकिंग, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है अभी हो चुकी है और 29 जनवरी 2021 से ये सेवा जो है शुरू की गई है IRCTC द्वारा। जल्द ही जो पता चला है मार्च के शुरुआती हफ्ते में स्टार्टिंग में इसका एप्लीकेशन भी जो है आ जाएगा, फिर आप ऐप के माध्यम से भी जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी जो है आप इसका वेबसाइट देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है bus.irctc.co.in, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका पहला जो है होम पेज है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बस और काफ़ी सारे जो सेवाएं प्रोवाइड कराता है IRCTC वो सभी दे रखा है। ये बुक बस टिकट का एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये एक पहला पेज है जो आप देख रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं, 22 राज्य 22 स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरीज में मिलकर जो है इस सेवा को शुरू किया जाएगा। ये 24 जगह है, यहाँ पर जो है लगभग 50,000 के आसपास या उससे ज़्यादा भी ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं जो शामिल हैं IRCTC के साथ। इसमें जो है सबसे अच्छी बात यह है कि आप बस का रूट देख सकते हैं, आप बस की स्पेसिफिक कोई जो सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी ये बात है। इसमें हम बता दें एक बार में आप 6 लोगों की बुकिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट बुक आप एक बार में कर सकते हैं। और जो एक ज़रूरी जानकारी, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टिकट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 5 साल से बड़े अगर बच्चे हैं तो उनका भी टिकट यहाँ पर जो है काउंट होगा। चलिए दोस्तों हम एक शुरू करते हैं, आपको सैंपल देते हैं, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, हम भोपाल से जो है इंदौर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप डिपार्चर का डेट लिखेंगे, डिपार्चर का डेट मान लीजिए हम लिख देते हैं 24 फरवरी, हम सर्च बस पर जो है क्लिक करेंगे। देखिए हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ये ज़रा सा टाइम लेगा, और इसने दिखाया है कि 200 रिज़ल्ट आपके आगे हैं, आप जो है जिस भी बस से जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बस का नाम, वो बस का क्या प्रकार है, क्या वो बस एसी है, नॉन एसी है, कितना समय वो दोनों शहरों के बीच में लेगी, कितना पैसा है आप देख सकते हैं, कितनी सीट्स जो है बची हुई हैं आप ये भी देख सकते हैं। नीचे आप जो है बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट्स भी देख सकते हैं, जैसे ही हम बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट्स पर क्लिक कर रहे हैं नीचे आप देख सकते हैं ये जाने वाले शहर से जो है आपके बोर्डिंग पॉइंट्स हैं और ये ड्रॉपिंग पॉइंट्स हैं, साथ साथ इसमें समय भी लिखा होगा। आप इसके साथ कैंसिलेशन की पॉलिसी भी देख पाएंगे, आप सीट को भी सिलेक्ट कर पाएंगे अगर आप नीचे आना चाहते हैं, और आपको ऑप्शन मिल देंगे चार्टर्ड बस, ये देखिए काफ़ी सारी बसेस के ऑप्शन आ रहे हैं, आपको जो बस आपके समय अनुसार और आपके जो फेयर अमाउंट होता है उसके अनुसार आपको ठीक लगे आप जो है उसको बुक कर सकते हैं। हम आपको ये जो पहला ऑप्शन आया था यहाँ से दिखाते हैं बुक करके। सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे सेलेक्ट सीट पर, आप देख रहे होंगे ये येलो बटन लिखा हुआ है सेलेक्ट सीट, यहाँ पर जाएंगे, कुछ 10 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए ये बस का अंदर का जो है मॉडल आ गया है, आप देख सकते हैं ये जितनी भी आपको ग्रे स्केल में जो सीट्स दिख रही हैं ये बुक हो चुकी हैं, तो जो वाइट आपको सीट्स दिख रही हैं वो अभी रह गई हैं। जैसे कि हम ये सीट को बुक करेंगे, यहाँ लिखा आ गया है सीट नंबर 39, इसका फेयर है 286, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है।
आप जो है नीचे से बोर्डिंग पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है पहला बोर्डिंग पॉइंट, अब आप ड्रॉपिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, हमने ड्रॉपिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। अब हम प्रोसीड टू बुक पर जाएंगे, ये आपको IRCTC के मेन पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपका क्रेडेंशियल बना होगा, जहाँ पर आपके ID पासवर्ड्स होंगे। जो ID पासवर्ड आपके रेलवे की टिकट बुक करने के काम आते हैं, वही सेम ID पासवर्ड ये जो आप टिकट बुक करेंगे बस का, इसमें भी काम आएंगे। देखिए हम प्रोसीड टू बुक पर जाएंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं IRCTC लॉगिन, जो आपका IRCTC का यहाँ पर ID पासवर्ड होगा, आपका अकाउंट होगा, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पास में देख रहे होंगे लिखा हुआ है गेस्ट यूज़र लॉगिन, ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू की है। गेस्ट यूज़र लॉगिन पर जाने के बाद आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अकाउंट ना बनाएं, हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल देंगे और आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। क्योंकि मेरे पास IRCTC का जो है यहाँ पर अकाउंट है, तो मैं उसके थ्रू जाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं, मैं लॉगिन करूंगा। देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद ऊपर आपके सीट जो आपने बुक की है, आपकी बस की डिटेल आ गई है, कौन सी सीट है, कब जाएगी, कब पहुँचेगी, कहाँ से आपको लेगी, कहाँ पर आपको छोड़ेगी, कितना समय लगेगा, नीचे ये हमारी डिटेल्स आ गई हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं। ये आपको जो है आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट करेंगे। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इसमें जो है 2 घंटे पहले जब आपकी बस जाने वाली होगी, जो दिन होगा उससे 2 घंटे पहले, आपके मोबाइल पर जो मोबाइल आपने यहाँ पर डाला होगा उसमें आपकी बुकिंग की पूरी डिटेल्स जो है आ जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं फेयर आ गया है, किस तरीके से कितना रुपए और जो है IRCTC का बुकिंग चार्जेस क्या है। इसको दोस्तों आप नीचे आए एग्री करके कंटिन्यू टू बुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आसानी से आपका टिकट जो है ऑनलाइन बुक हो जाएगा। कुछ और मैं आपको बातें बता दूं, आप जो है IRCTC की बस के माध्यम से पूरे देश में, जो मैंने बताए थे 22 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप जब जाएंगे तो अपने साथ में आप 10 किलो तक का जो है लगेज आप कैरी कर सकते हैं, ऐसा इसमें इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। 10 केजी तक आप लगेज ले जा सकते हैं, साथ साथ आप 5 केजी तक का लैपटॉप बैग अगर आपके साथ है तो आप उसको भी जो है आराम से कैरी कर सकते हैं। दूसरी बात, ई टिकट जो यहाँ से डाउनलोड होगा, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर आएगा, वो वैलिड होगा, लेकिन आपको अपने साथ एक वैलिड ID कार्ड जो है साथ लेकर जाना होगा, जिसकी मदद से जो है आप वहाँ पर जब चेकिंग होगी तो उसको दिखा पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया है buscare@IRCTC.com करके, ये इस पर आप कोई शिकायत करना चाहते हो, कुछ पूछना बताना चाहते हो, तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1800110139 करके, इस टोल फ्री नंबर पर भी जाकर जो है आप जो भी शिकायत है या जो भी कुछ पूछना करना चाहते हैं वो आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है IRCTC ने यहाँ पर। इससे हम जो है ऑनलाइन बुकिंग अब बसों की भी कर पाएंगे, जिस तरीके से हम ट्रेनों की बुकिंग करते थे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया होगा, क्योंकि प्रोसेस को बताने में ज़रा सा समय लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।